ये मेरा ग्रे और वाइट सीमेंट वाला टेक्सचर है। कंजूसों की तरह रिकॉर्ड कर रही हूँ क्योंकि मुझे ये था कि मैंने आते ही वीडियो रिकॉर्ड करनी है इनकी। अभी हमारी छत पे शुरू हो गए हैं इधर साउथ वाली पे। चलो इसकी भी एक तस्वीर लेके इसको भी थोड़ा सा मैं साइड पे क्रम्बल करती हूँ। वो वहाँ जाती हूँ क्योंकि वहाँ एक टूटी शेप्स हैं उनको कर लेते हैं, इसको करते हैं। अच्छा जो छोटी शेप्स हैं ड्राई बहुत जल्दी होती हैं। फुल ड्राई लग रही हैं ये देखिए, डस्टी भी और ड्राई भी। चले इतना ही बहुत है। ये सेटिंग मुझे बड़ी अच्छी लग रही है। मुझे ऐसे लग रहा है स्लो स्लो सा मेरा व्लॉग आएगा। मैं इतने अच्छे मूड के साथ उठी थी, मैंने कहा मैं जाती हूँ वीडियो रिकॉर्ड करती हूँ सुकून से आज का दिन। फिर पता नहीं कब तक इनकी छुट्टियाँ रहनी और कब तक ये रोले डालने। इसका भी थोड़ा करते हैं एशिस को, प्योर एशिस। चलें थोड़ी सी प्योर एशिस है। क्या उनका सोनू मुस्तफ़ा शायद ऐसा नाम था, उन्होंने प्योर एशिज़ की रिक्वेस्ट की थी, तो इंशाल्लाह उसकी भी वीडियो आ जाएगी। ये तो मैं वो तोड़ी जो छोटे छोटे साइडों पे टूटे हुए हैं। यहाँ देखे वो एक स्लैब इसकी नज़र आ रही है मुझे निक्कू सी, ये वाली ये कर लेते हैं। थोड़ी डैम है थोड़ी ड्राई है मगर अच्छी लग रही है। चलिए ये वाले टेक्सचर को भी करते हैं। इसकी तीन चार दफ़ा मैं वीडियो बनाने लगी हूँ तो नहीं बनाई, मैंने कहा चलो बनाती हूँ। फिर एक दफ़ा बल्कि मोबाइल भी रखा फिर भी नहीं बनाई। अब तो अच्छा ब्लैक ग्रेनी टेक्सचर की भी बनाने लगे थे, चारकोल है जिसमें ग्रे ग्रेनी थे और अब ये ब्लैक है। इसकी वीडियो बनाने लगे थे इसकी शोर की वजह से, मैंने कहा इतने दिन लगा के इसको ड्राई किया है तो आज इसकी नहीं बनानी इतने शोर में। अब देखेंगे ये शोर कब तक रहता है। ये इसकी एक तस्वीर लेके इसको क्रम्बल करते हैं। कुछ नज़र ही नहीं आ रहा ढंग से। अच्छा मुझे मेरे आपका कमेंट याद आ गया, कह रही थी आपकी क्रम्बलिंग में कुछ जादू है। कहते हमारा दिल करता है आपकी क्रम्बलिंग देखे हम भी आपके पास आके क्रम्बलिंग करें। थैंक यू सो मच मीरब आपका। और सेलिब्रेशन वीडियो को कह रही थी कि आपकी जो सेलिब्रेशन वीडियो है ये आपको मतलब कोई और नहीं बना सकता जिस तरह की आप बनाती हैं। थैंक यू सो मच आपका। तो
इस बार तो शोर इतना इतना ज़्यादा शोर है, पता नहीं क्या बनेगा। अब दुआ करें ना अब जल्दी जल्दी टैक्सी ड्राई हो जाए, फिर इंशाल्लाह जल्दी आ जाएंगी सेलिब्रेशन वीडियो। जब आप इस तरह के कमेंट्स करती हो फिर मेरा दिल करता है मैं और इनको अच्छा करूं, ताकि कोई और अच्छे अच्छे आइडिया सोचूं, के आइडिए सोचूं ताकि आपको और पसंद आए। थोड़ा सा इसको भी करते हैं, आज तो ना सुमेरा आपकी बात पूरी होगी कि मैं एक साथ काफ़ी टेक्सचर क्रम्बल कर रही हूँ, एक ही नहीं कर रही। ये आज तो ये सॉफ्ट लग रहा है, ये वो येलो सैंड वाला टेक्सचर है जिसमें येलो सैंड डली हुई है। चलें जी इसको भी इतना सा करते हैं। अच्छा ये जो टेक्सचर है, कल मैं वीडियो बना रही थी, मुझे ये था मगरिब की अजाने ना हो जाएं। ओए कल तो फिर इसको मैंने कल के व्लॉग में वीडियो बना रही थी, फिर मैंने छोड़ दिया कि चलो कल व्लॉग में कर लूँगी। अब इसको पूरे दिन की धूप लगनी है तो फिर इसने दोबारा ड्राई होना है, क्योंकि ये रात की हो उसमें फुल भी गाउन है और हॉट कैसे हो गया है। हालांकि कल मैंने इसकी क्रम्बलिंग की सही था बिल्कुल। चलें जी ये क्रंची मट का टेक्सचर, इसको भी किया क्रम्बल, इसको एक साइड पे ही करेंगे इसलिए कि ये मिक्स ना हो जाए बाकी टेक्सचर का। ये सॉफ्ट सैंड है, चलिए ये है सॉफ्ट सैंड, इसकी भी मैं एक क्रम्बलिंग करती हूँ आपके लिए, प्योर एंड सॉफ्ट। अच्छा ये मुझे किसने रिक्वेस्ट की थी उनके लिए, उनका नाम नहीं मुझे याद, बहुत देर से उन्होंने की थी कि व्लॉग में सॉफ्ट टेक्सचर क्रम्बलिंग करें। अच्छा एक और है उनका नाम अब देखो मेरे जहन से निकल गया, वो भी मुझसे नाराज़ हुई हुई है कि मैंने अपने इतनी दफ़ा मैंने कहा आपने मेरा नाम नहीं लिया। असल में बंदा फ्रेश माइंड के साथ ऊपर आता है, ऊपर आके जो हालात देखते हैं ना शोर शराबे के सारा कुछ जहन से निकल जाता है। क्या उनका नाम था, बल्कि कल उनको मैंने कहा था प्लीज़ आप नाराज़ ना हो ना तो मैं आपके लिए वीडियो बना दूँगी। चलिए मैं इसमें पहले मोबाइल में देख लूँ फिर मैं दोबारा से वीडियो कंटिन्यू करती हूँ। अच्छा जी नाम उनका देख लिया, उनका नाम है इकरा वकास। वो कह रही हैं मेरा लास्ट कॉमेंट है, फिर उन्होंने इसके बाद कॉमेंट नहीं करना कि वो मुझे इतनी दफ़ा बोल चुकी हैं कि मेरा ब्लॉग में तज़किरा करूँ उनके लिए क्रम्बलिंग करूँ, तो सॉरी मैं हर दफ़ा ही भूल जाती हूँ, मैं यहाँ से कोई टेक्स्चर दे के आपके लिए थोड़ी सी क्रम्बलिंग करती हूँ तो, और आपने नाराज़ नहीं होना। असल में बस क्या करे बंदा भूल ही जाता है ना, एक सॉफ्ट टेक्सचर की आपके लिए इकरा क्रम्बलिंग करते हैं सही है, ये है क्रम्बलिंग आपके लिए इसकी। चलें अब यहाँ थोड़ा ग्रिटी टेक्सचर बना है मेरा जो है मल्टी स्टोन टेक्सचर, इसकी क्रम्बलिंग कर लेते हैं आपके लिए थोड़ी सी। इकरा आपके लिए भी हो जाएगी, महक आपके लिए भी, उनको ग्रिटी टेक्सचर पसंद है महक, तो आपके लिए इंशाल्लाह ताला मैं ग्रिटी टेक्सचर की क्रम्बलिंग करूँगी। और एक मेरी सब्सक्राइबर है चीसी है चाइसी है, सॉरी नाम उनका पता नहीं क्या है,
तो उनके उन्होंने मुझे ग्रीन टेक्सचर की कहा है ट्यूटोरियल, तो इंशाल्लाह ताला अब मैं उसकी वीडियो रिकॉर्ड करूँगी। एक तो उसके लिए डैम क्रिम्बलिंग करनी है मैंने, तो उसके बाद फिर उसका मैं आपको ट्यूटोरियल भी दे दूँगी। ट्यूटोरियल वैसे उसका क्या है, वो सिंपल एक टेक्सचर है, लेकिन बता दूँगी, ठीक है इंशाल्लाह ताला। चलें एक क्रिम्बलिंग आप सबके लिए। थोड़ी सी मैं खामोशी होती हूँ, मैं खुश हो जाती हूँ कि शोर कम हुआ है, चले मैं वीडियो रिकॉर्ड बना कर लेती हूँ। दूसरे ही लम्हे इतनी ज़ोर से बोलते हैं बच्चे, अब शोर नहीं आ रहा, वैसे हैरान हूँ। चलिए इसको भी एक ऐसा, ये टेक्सचर आप सबको बहुत पसंद है। इसकी क्रम्बलिंग भी इतनी अच्छी होती है ना जब मैं करती हूँ। चलिए ठीक है, मुझे शोर अब कम लग रहा है वैसे काफ़ी हद तक, तो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लेती हूँ जो छोड़ी थी। बाकी फिर मिलते हैं इंशाल्लाह ताला एक नए व्लॉग में। ओके, तमाम सब्सक्राइबर को और जितनी भी व्यूअर्स मुझे देखती हैं उन सबका बहुत शुक्रिया, और तमाम सबको अस्सलाम वालेकुम।